क्लाउड कंप्यूटिंग थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज। अब ये इशू को समझने के लिए सिंपल ये विजुलाइज करें कि आपने अपने ऑनलाइन स्टोर को, अपना डेटा, अपनी सर्विस अपने क्लाउड पे मूव की एंड यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्स वाई जी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फॉर मंथली रेंट, या जो भी सर्विस आप उससे ले रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की सर्विस ले रहे हैं, यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था एक सेकंड पार्टी से। क्लाउड सर्विस के अंदर थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि जिससे आपने सर्विस ली हुई है, आपने वेंडर ए से सर्विस ली, वो वेंडर ए आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो आगे किसी थर्ड पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इट ट्रांसलेट टू कि आपकी डिपेंडेंसी थी क्लाउड के वेंडर के ऊपर, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वेंडर के ऊपर। दैट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिपेंडेंसी। सेकंड लेवल ऑफ डिपेंडेंसी इज कि फॉर एग्जांपल आपने 10 सर्विस का रेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने मंथली बेसिस के ऊपर अपने फर्स्ट वेंडर के साथ। अब वो जो वेंडर था उसने आउट ऑफ 10 सर्विसेज जो आपको उसने प्रोवाइड करनी थी, उन 10 सर्विस में से उसने 5 जो सर्विस थी जो उसने आपको देनी थी उसने फर्दर किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। अब ये सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है कि ड्रॉपबॉक्स एक बहुत मशहूर क्लाउड सर्विस है जो आपको फाइल शेयरिंग की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एग्जांपल कुछ अर्से के लिए आपको प्रोवाइड करता है। गूगल डॉक्स है जो हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम, एवर नोट है, वो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डॉक्यूमेंट शेयरिंग, नोट्स की शेयरिंग एंड सो ऑन। इवन लोग आजकल कोड भी शेयर कर देते हैं ड्रॉपबॉक्स को यूज करते हुए। तो ड्रॉपबॉक्स ऑलरेडी एक क्लाउड है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये अज्यूम करें कि ड्रॉपबॉक्स जो है उसने फर्दर एमेजॉन से या किसी और थर्ड पार्टी से आउटसोर्सिंग की हुई है आपके क्लाउड की सर्विस। यानी मेरा जो डेटा है, मैं ये समझ रहा हूं कि वो मौजूद है ड्रॉपबॉक्स के क्लाउड के ऊपर, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि मेरा 100% डेटा ड्रॉपबॉक्स के क्लाउड के ऊपर मौजूद नहीं है, उसका कुछ परसेंट या कुछ 50% या कुछ XYZ परसेंटेज फर्दर एक क्लाउड है Amazon का जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे उस पे बढ़ा हुआ है। तो क्या मतलब है इसका यूजर के लिए? यानी मैं एज अ एंड यूजर, एज अ कंपनी, एज अ ओनर ऑफ द ऑनलाइन स्टोर, मेरे लिए हो सकता है ये चीज सीमलेस हो, लेकिन यहां पे कुछ इश्यूज हैं। इश्यू नंबर 1 कि फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था डायरेक्ट ड्रॉपबॉक्स वालों से, फॉर एग्जांपल, या कुछ डायरेक्ट वेंडर से 10 सर्विस को प्रोवाइड करने का। अब उसमें फॉर एग्जांपल कुछ सर्विस की क्वालिटी डाउन होती है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो यू साइन फॉर अ मिनिमम सर्विस लेवल आल्सो, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट आप साइन करते हैं वेंडर के साथ। जब थर्ड पार्टीज आ जाएं, देन यू नीड टू मेक श्योर कि किन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। अगर 5 सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फर्स्ट वेंडर के पास है, तो अगर बाकी 5 की जो सर्विस है उसकी क्वालिटी डाउन होती है, तो हु इज अकाउंटेबल? आप किससे बात करेंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? रीजन कि एट द एंड ऑफ द डे जो ऑनलाइन स्टोर का क्लाइंट है, यानी जो मेरा क्लाइंट है, उसकी अगर क्वालिटी सफर होती है तो ही और शी डोंट केयर कि मैंने आगे किस सर्वर से बात की हुई है और उस सर्विस प्रोवाइडर ने आगे फर्दर किसी और सर्विस प्रोवाइडर से बात की हुई है। मतलब जब थर्ड पार्टी की डिपेंडेंसी आ जाए तो यू नीड टू क्लियरली आस्क के किस सर्विस की सर्विस क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हु इज अकाउंटेबल। अमूमन ये होता है, आई मीन एज अ प्रैक्टिस ये होता है कि जब आप किसी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल कि जी आप एक, यू आर टॉकिंग टू वन वेंडर टू प्रोवाइड द कंप्लीट पैकेज, दैट्स अ बेस्ट केस। अब लेस बेस्ट केसेस के आपका वेंडर आपको यह बोलता है कि अगर मैं ये 10 सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो आई विल बी चार्जिंग एक्स
अमाउंट पर मंथ, लेकिन अगर मैं इन 10 सर्विस में से 8 खुद प्रोवाइड कर रहा हूं और 2 आपको मेरा ही रिकमेंड किया हुआ एक वेंडर सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो आई विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ फॉर एग्जांपल 20%, और ये होता है अमूमन। तो यू नीड टू मेक श्योर के व्हाट यू आर साइनिंग इनटू, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि फिर 8 सर्विस की अकाउंटेबिलिटी एक वेंडर के पास है और जो बाकी 2 सर्विसेज हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो दूसरे वेंडर के पास है। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना बिजनेस सफर करेगा, यू विल सफर इन द एंड, और किसने सफर नहीं करना। आपके जो कस्टमर हैं उनको अगर सर्विस लेवल डाउन होता है, वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम डाउन होता है, अगर आपने कोई ऐसी क्रिटिकल सर्विस आउटसोर्स कर दी है थर्ड पार्टी को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके मेन स्टोर को रन करने के लिए, देन यू नीड टू थिंक ट्वाइस। तो ये इश्यूज सारे के सारे हाईलाइट करने का मकसद ये था कि मेकिंग अ डिसीजन टू रन एन ऑनलाइन स्टोर और योर बिजनेस फ्रॉम टोटली फ्रॉम क्लाउड, इट शुड बी अ थॉटफुल डिसीजन। मतलब आपने कुछ पैरामीटर्स को सोच समझ के हर चीज की आपने प्रोज एंड कॉन्स, यानी फायदा नुकसान आपने देख के ये डिसीजन करना है। यानी इट इज नॉट अ डिसीजन कि जी फॉर एग्जांपल कि क्योंकि ये अगली एक और मेरे कंपेटिटर क्लाउड पे, यानी क्लाउड के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो मैं भी क्लाउड के थ्रू ही कर लेता हूं। इट इज नॉट लाइक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। इट इज आई मीन हर बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको रन करने के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यू नो योर बिजनेस, यू नो योर ऑनलाइन स्टोर प्रेजेंस, यू नो योर कस्टमर नीड। हर बिजनेस की कस्टमर नीड और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। और ये क्लाउड पे जाना है नहीं जाना, कितने परसेंट जाना है कितने परसेंट नहीं जाना, इट हैज टू बी अ थॉटफुल प्रोसेस। द डिसीजन शुड कम आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस, नॉट के देखा देखी हमने कर दिया।